कैचिंग गेम खो खो के बारे में जानेंगे। खो खो आउटडोर और इंडोर दोनों जगह खेला जाता है। इसे दो टीम्स के बीच खेला जाता है। इसका मैदान रेक्टेंगुलर होता है जिसका साइज 27x16 मीटर्स मेन विमेन जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है और 23x14 मीटर सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। कोर्ट के एंड में दो रेक्टेंगल्स होते हैं जिसमें हर रेक्टेंगल का साइज 16x1.5 मीटर्स मेन विमेन जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है और 14x1.5 मीटर सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है। खो खो के खेल में मुख्य तीन श्रेणियां होती हैं, सब जूनियर बॉयज गर्ल्स बिलो 14 इयर्स, जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बिलो 18 इयर्स एंड सीनियर्स। हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं जिनमें से सिर्फ 9 प्लेयर्स ही मैदान में आते हैं। हर टीम को विरोधी टीम के खिलाड़ियों के छूने से बचना होता है। खो खो खेलने के लिए कुछ तकनीक और कुशलता जरूरी है, जैसे फेक खो, सडन खो, चूजिंग डायरेक्शन, डाइविंग और पोल डाइविंग। खो खो का खेल शुरू करने के लिए सबसे पहले दोनों टीम्स के कैप्टन्स के बीच टॉस किया जाता है और विनर फौरन अपना हाथ उठाकर उंगली से सेंट्रल या साइड लाइन की तरफ इशारा करके चेजिंग या डिफेंस ऑप्शन चुनता है। एक टीम कोर्ट के बीच में एक रो में बैठी रहती है जिसमें अल्टरनेट मेंबर्स विपरीत दिशा में मूव किए होते हैं। दूसरी टीम तीन प्लेयर्स को भेजती है और बैठी हुई टीम को अपने ओपोनेंट्स को टच करना होता है। चेजर्स सिर्फ एक ही दिशा में भाग सकते हैं, इसीलिए उनके पास ये विकल्प होता है कि चेस करने का काम दूसरे सेटर को दे दिया जाए जिसकी बैक उनको फेस करती है जब वो भाग रहे हो। इसके लिए चेजर को खो कहकर उस सेटर को टच करना चाहिए जो टारगेट के सबसे पास हो। हर टीम चेजिंग और डिफेंडिंग अल्टरनेट करती है। खो खो में फाउल कई तरह के होते हैं, जैसे चेजर का डायरेक्शन चेंज करना या सेंट्रल लाइन के ऊपर से जाना, बैठे हुए चेजर का एक कोर्ट को फेस करना लेकिन दूसरे कोर्ट में भागना, या खो मिलने से पहले उठ जाना, चेजर का खो पास करने के लिए खो ना कहना या कोई और वर्ड बोलना, चेजर का जानबूझकर रनर को अग्रेसिवली टैकल, किक, पंच या पुश करना। क्यों दोस्तों, क्या आप खो खो खेलने के लिए तैयार हैं?